दक्षिणेश्वर काली मंदिर नहीं है, कालीघाट मंदिर, कालीघाट मंदिर कलकत्ता। कालीघाट मंदिर द्वार गेट नंबर 6 और ये मेट्रो, यही है मेट्रो का रास्ता वेलकम, और इसी मेट्रो से हमको जाना है दक्षिणेश्वर काली मंदिर की ओर। कालीघाट मेट्रो दाहिने तरफ, द नेक्स्ट स्टेशन नेताजी भवन, द प्लेटफॉर्म इज ऑन द राइट साइड। दक्षिणेश्वर मंदिर के लिए ये दक्षिणेश्वर मेट्रो है और यहीं पे हम उतरे हैं, और ये दक्षिणेश्वर मेट्रो आखिरी मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो का आनंद ही कुछ अलग है, आप मेट्रो स्टेशन पर जरूर आइए। ये है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जी की ये पूजा स्थली है, पुजारी थे यहाँ पर वो, और ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर इसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन ही विशेष दर्शन होते हैं महाकाली के, और हमारे इसी विशेष दर्शन हुए हैं। अपार भीड़ आप यहाँ पर देखेंगे आज मंदिर में, बहुत ही इतनी भीड़ कि 3-4 घंटे का समय आपको लग सकता है, बहुत सारी लाइनें हैं। इस मंदिर के विषय में बस इतना ही कह सकता हूँ कि कलकत्ता का ये सबसे विशेष मंदिर है, और इसके पहले हमने कालीघाट मंदिर के दर्शन किए थे, वहाँ पर भी भव्य प्रतिमा है महाकाली की। ठीक है साथियों, जय महाकाली की। महाकाली का मंदिर अबुआ चांद, यह है कलकत्ता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर। रामकृष्ण परमहंस जी यहाँ के पुजारी थे, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और आज मंगलवार है, और यहाँ पर अपार भीड़ आप देख पा रहे हैं, और इसी भीड़ में और इसी शुभ दिन में मंगलवार में महाकाली के दर्शन बड़े शुभ होते हैं। आज हमारे दर्शन यहाँ पर हुए हैं, और इस मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर का वीडियो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। सामने आप मंदिर बाहर का दृश्य देख लीजिए, यहाँ पर महाकाली की भव्य प्रतिमा है, सोने की उनकी जीप भी है, और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर है। तो साथियों, जय महाकाली। चले, क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहे? आ जाइए मंडरिए, ये डर रहे हैं लोग। ये है इस समय हम, ये आप पहुंचे हैं हम। हम भी बहुत देर खड़े रहे थे शुरू भार में यहाँ पर, और ये मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं अपन। ভালোবাসার মিষ্টি গল্প নিয়ে নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত হানি টু সর্বভাবে চলছে আপনার নিকটবর্তী প্রেক্ষাগৃহে। তুমি বুঝলো।
मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ छोटे छोटे आगे
इधर मुंह कर लो, इधर मुंह कर लो। चालू कर दिया मैंने। पार्क स्ट्रीट की लाइटिंग बहुत जबरदस्त आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए पार्क स्ट्रीट की लाइटिंग बहुत जबरदस्त। ये बहुत लंबे एरिया में फैला है। हम पार्क स्ट्रीट पर, और पार्क स्ट्रीट के नज़दीक ही है भारतीय संग्रहालय यानी इंडियन म्यूजियम, और अगर भगवान ने चाहा तो विक्टोरिया मेमोरियल के भी दर्शन हो जाएंगे। तब जाना आपने, चलो जा। यह है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, बहुत ही सुंदर इमारत जिसको आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, बहुत ही सुंदर। और ये सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5:30 बजे बंद होता है। हम रात्रि में यहाँ पहुँचे हैं और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर इस समय आज़ाद हिंद फौज के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया जा रहा है। बहुत भव्य इमारत है, आप ये देख पाएंगे मेरे पीछे कितनी भव्य नक्काशी। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता सुबह 10 बजे खुलता है, शाम को 5:30 बजे बंद होता है। 30 रुपये प्रति व्यक्ति इसकी टिकट है और बहुत ही सुंदर समय इसको बनाया गया था।
पूरे ढोल का नहीं बढ़िया तो हो। इस समय है हम शिवगंगा पर। ये देखिए शिवगंगा का विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं और शक्ति माता शक्ति, ये देखिए शिवगंगा बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर स्नान का। जय शिव शंभो, जय हो बाबा भोलेनाथ बाबा बैजनाथ, जय हो बाबा बैजनाथ धाम की। और इस समय आप देख पा रहे बाबा भोलेनाथ बैजनाथ धाम।
है इसका विशेष। देवघर का सबसे अच्छा भोजनालय है ये, बहुत ही अच्छा भोजनालय, आप यही भोजन करें। यहाँ पर आपको 30 रुपए में पूरी सब्जी और अगर आपको मीठे के साथ लेना है तो 40 रुपए में मिलेगी पूरी सब्जी। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर मिलता है, एक नंबर क्वालिटी है यहाँ खाने की, इसलिए आप इसी भोजनालय में भोजन करें, साई शुभम भोजनालय। ये देखिए हम इस समय हैं वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि देवघर ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग से 45 किलोमीटर दूर है और यहाँ के मंदिरों की एक खास विशेषता होती है। ये देखिए माता पार्वती का मंदिर, वहाँ से लेके बाबा भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक गठबंधन हुआ दिखता है। देखिए आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे कि जो गठबंधन हो रहा है, ये है वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग, बहुत ही पवित्र। अगर आप बाबा बैजनाथ धाम आए और यहाँ ना आए तो आपकी यात्रा अधूरी रहेगी, इसलिए वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग जरूर आएं। और ये मैं आपको बताना चाह रहा था पीछे का गठबंधन, देखिए इस तरीके का गठबंधन होता है यहाँ मंदिरों में। जय जय बाबा भोलेनाथ बम भोले। इस समय है हम त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत में ये पीछे से रास्ता ये पार्वती मंदिर के लिए गया है, बहुत समय लगता सुना, डेढ़ घंटे का समय लग जाएगा। पीछे अभी एक महिला गिर गई थी तो हम ऊपर नहीं जा रहे हैं और यहीं पर एक अभी मंदिर है पीछे, इस मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं और ये बहुत लंबे चौड़े में है। त्रिकूट पर्वत यानी तीन गुफाएँ, तीन पर्वत हैं ये। पहले यहाँ पर रोपवे हुआ करता था लेकिन अभी कुछ दिन पहले रोपवे का तार टूट जाने के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो गई। पूरे बहुत लंबे चौड़े में फैला हुआ है ये पर्वत, कई रास्ते इसमें निकल के गए हैं और बहुत ही थका देने वाला कार्य है। तो ये था त्रिकूट पर्वत और हम इस समय है देवघर में झारखंड। तो ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। ये मेरे पीछे दिख रहा है ये त्रिकूट पर्वत है, तीन पहाड़ियां इसमें हैं और पहले इस पर रोपवे भी था जो अभी इस समय टूट गया है। बहुत कुछ है यहाँ पर घूमने को, आपके लिए ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, पूरा दिन भर आपके लिए कम पड़ सकता है यहाँ पर। त्रिकूट पर्वत देवघर। नहीं चलो आ जाओ, ये हम हैं इस समय तपोभूमि में, तपोभूमि देवघर। देवघर जो है वो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है और बाबा बैजनाथ का धाम, और यहाँ पर अभी हम त्रिकूट पर्वत के बाद आए हैं और अब हम जा रहे हैं। सामने ही जो पहाड़ी दिख रही है वो है तपोभूमि, यहाँ पर तपस्या, रावण ने भी यहाँ पर तपस्या की थी सुना है, तो तपोभूमि के आप दर्शन कीजिए। इस समय है हम तपोवन में, तपोवन का बड़ा बहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तपोभूमि है ये,
चारों तरफ आपको ये देखिए तपोवन, ऊंची ऊंची चारों ओर पहाड़ियां और तपोवन, और ये देखिए तपोवन आश्रम, भगवान शंकर का शिवलिंग और तपोवन के। अब हम चलते हैं ऊपर। तपोवन बहुत ऊंची पहाड़ी है और कहते हैं हनुमान जी ने भी यहाँ पर तपस्या की, और यहाँ पर रावण ने भी तपस्या की थी। तपोभूमि देवघर जो है वो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। ये देखिए ये तपोभूमि, आपको तपोभूमि दिखाई दे रही होगी। झारखंड का बहुत ही पवित्र स्थान, और हम चढ़ रहे हैं समय चोटी पर। तपोभूमि तपोवन, क्योंकि यहाँ पर तप किया है रावण ने, हनुमान जी ने। कई प्रकार की गुफाएं इस तपोभूमि में हैं और बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा है। बहुत ही ऊंची चढ़ाई चढ़ते हुए आप इस तपोवन की पहाड़ी के ऊपर पहुंचेंगे और वहां से देखेंगे इसका विहंगम दृश्य। तपोभूमि चारों तरफ बहुत, इस स्थान के आसपास मैदान है और बकरी बहुत ऊपर तक चढ़ के आ गई है। ये देखिए माँ सबरी की गुफा लिखा है यहाँ पर। ये देखिए माँ सबरी की गुफा, और ये बैठे हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को चना खिला लीजिए सर। हनुमान जी अभी आप भूखे रहेंगे, वो व्रत पे है, कर रहे हैं, व्रत में है। और क्या हो रहा बाबू? हनुमान जी को नहीं, 10 रुपया लेंगे। अरे रहन दो हनुमान जी। अरे नहीं भैया, हनुमान जी ऊपर बैठाने के चक्कर में था, अपने को नहीं बैठना हनुमान जी के ऊपर। और चारों तरफ आप देख रहे पा रहे हैं, ये देखिए विहंगम दृश्य। और ये कई हनुमान जी जो बैठे हैं, और बहुत ऊंची चोटी ये है तपोभूमि। देवघर का बहुत ही पवित्र स्थान तपोभूमि, तप वन। यहाँ पर तप किया है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवताओं ने, इसलिए इसको कहते हैं तपोभूमि। और इसके पहले हम गए थे त्रिकूट पर्वत, बहुत ही अद्भुत पहाड़ी थी वो भी। और उसके पहले हम गए थे वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग। बाबा बैजनाथ आने वाले व्यक्तियों को वासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग जरूर जाना चाहिए। और इस समय आप चढ़ रहे हैं तपोभूमि पर, यानी तपोवन। ये देखिए तपोवन का विहंगम दृश्य। यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे होंगे मेरे, आइए आइए तपोभूमि की ऊंची चोटी पर चलते हैं और आपको तपोभूमि का विहंगम दृश्य दिखाते हैं। आहा, बहुत ही ऊंची पहाड़ी तपोभूमि की, और यहाँ पर बहुत से फोटोग्राफर्स फोटो, और नहीं बनेगा तपोभूमि का विहंगम दृश्य। ये देखिए हम चले जा रहे हैं तपोभूमि की ओर, तपवन। आह, ये
ये देखिए अपने बाप से नहीं करते तपो भूमि नहीं बनेगा। ओहो हो ये देखिए हम आप पहुंचे हैं तपोभूमि पहाड़ी के ऊपर सीता ये देखिए सीता चट्टान। हालांकि ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है ये स्थान, इसमें कई पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से होते हुए आपको ये देखिए आसपास भी कई पहाड़ियां हैं, उन पर भी चढ़ा जा सकता है। और ये है सीता चटाई। कहते हैं हनुमान जी यहाँ पर प्रकट हुए थे, रावण ने यहाँ तपस्या की थी। अब अलग अलग तरह की बातें अलग अलग लोगों द्वारा की जाती हैं। और इस समय हम बहुत ऊंची पहाड़ी पर, सामने आपको वो झंडा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी कई लोग जाते हैं उस झंडा को, ये सामने झंडा देखिए आप, वहाँ भी कई लोग जाते हैं। लेकिन इस ऊंची कई कई तरह के फोटो खिंचाते लोग आप सामने देख पा रहे होंगे। ये देखिए हम कहाँ से आए हैं, वो नीचे का दृश्य आप देख पा रहे होंगे, वहीं से हम आए हैं। ये देखिए वहाँ हमारा ऑटो खड़ा है नीचे, और ये चारों तरफ आपको तपोभूमि का क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए तपोभूमि तपोवन में है इस समय। और देवघर के तपोवन में, देवघर जो है वो सांस्कृतिक राजधानी है झारखंड की। और ये जिस स्थान को आप देख रहे हैं ये है तपोवन। ये तपोवन को आप देख पा रहे हैं, ये देखिए बहुत ही अद्भुत दृश्य तपोवन का। मैं दिख रहा हूँ, देखना तपोवन में मैं दिख रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तपोवन, देख तो हाँ। चलो साथियों अब हम कुछ थोड़ा फोटो वोटो खींच लें। ये वीडियो आपके लिए था तपोवन का। मैं क्या कर रही हूँ, नौलखा मंदिर देवघर झारखंड। ए टुटु टुटु टुटु
ये देखिए, इस समय हैं हम जटही बॉर्डर पर, मिथिला क्षेत्र नेपाल, माता जानकी और भगवान राम की ससुराल, माता जानकी का मायका मिथिला क्षेत्र नेपाल में इस समय हम हैं, और हम जा रहे हैं माता जानकी के घर यानी भगवान राम की ससुराल। और पीछे हमें, हमारे पीछे खड़ी है ये बस, ये हमको ले जाएगी जनकपुर। 35 रुपया किराया है इस बस में, और यहाँ तक आने के लिए आपको जयनगर रेलवे स्टेशन से बस मिलेगी जो आपको 80 रुपये में जटही बॉर्डर तक ले आएगी। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी होटलें भी हैं जिन पर आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये है जनकपुर मंदिर, भगवान राम की ससुराल, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप, जनकपुर नेपाल में है। और हम आए हैं इस समय जयनगर से, पहले आए हम जटही, और जटही के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं जनकपुर नेपाल। और ये हमारे मध्य प्रदेश की कोई महारानी थी दतिया की, उनके द्वारा ये बनवाया गया था, है ना, बहुत ही आकर्षक। और नेपाल और भारत की रोटी और बेटी के संबंध है। ठीक है साथियों, लॉन्ग वीडियो देखिए यूट्यूब पर। इस समय है हम नेपाल में, और नेपाल की ये है जनकपुरी यानी भगवान राम की ससुराल, और ये हमारी पहली विदेश यात्रा कहना चाहिए। वैसे नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है, हमारे बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। और इस समय हैं हम जनकपुरी के ये गंगा सागर पे, ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये गंगा सागर है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, पीछे देखिए आप, ये बोटिंग का आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पीछे फव्वारा चल रहा है। बहुत ही अच्छा स्थान है ये नेपाल का, और यहाँ पर स्नान करने के बाद हम जाएंगे राम जानकी मंदिर, और वहाँ पर अभी सामने एक श्री राम मंदिर भी है, और ये देखिए यहाँ पर भी एक मंदिर है। और अगर आप यहाँ आए हैं और शौचालय वगैरह की समस्या है, तो वो भी इसी के पीछे एक शौचालय भी है, तो वो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथियों, जनकपुरी बहुत अच्छा है, और आपको यहाँ आके लगेगा कि अपने ही देश में है। जय श्री राम। बोलेंगे कुछ? नहीं 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 बोलेंगे। चल, इस समय हैं हम राम जानकी मंदिर में, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे भव्य राम जानकी मंदिर, जो कि ओरछा की महारानी महाराजा प्रताप की पत्नी वृष भानु कुमारी ने बनवाया था। 9 लाख रुपए की लागत से बना ये मंदिर, इसलिए इसको नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। बहुत ही भव्य मंदिर है, आप चारों तरफ इसको देख सकते हैं। मुगल शैली में ये मंदिर है, ये देखिए आप, ये अंदर के प्रांगण में है। इस समय है हम राम जानकी मंदिर में, बहुत ही सुंदर भव्य आकर्षक हमारी संस्कृति। पीछे इस समय राम जानकी मंदिर के भव्य दर्शन हो रहे हैं। पकड़ लेना उधर सृष्टि, और चलो कहाँ, ये देखिए आप, राम जानकी मंदिर जनकपुर नेपाल, बहुत ही भव्य ओरछा की महारानी वृष भानु कुमारी द्वारा बनवाया गया ये मंदिर। इसके पहले उन्होंने अयोध्या में एक नौलखा मंदिर बनवाया था, उसके बाद ये नौलखा मंदिर यहाँ पर बनवाया। 9 लाख रुपए का ये मंदिर बना था, इसलिए इसको नौलखा मंदिर कहते हैं। महारानी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, उनके संत, उनके गुरु ने कहा कि यहाँ मंदिर बनवाइए, उसके बाद ये मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर जनकपुर नेपाल।
इस समय हैं हम पशुपतिनाथ मंदिर में, नेपाल में। बहुत ही भव्य मंदिर। अभी हम आ रहे हैं गुहेश्वरी शक्तिपीठ से। मेरे पीछे जो रास्ता गया है वो गुहेश्वरी शक्तिपीठ का है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बागमती नदी है और बाबा भोलेनाथ पशुपतिनाथ का दरबार है पीछे। बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में आपको शिव मंदिर दिखाई देंगे। एक बार नेपाल आइए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये है बागमती नदी, और इस समय है हम पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में, और बागमती नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। पीछे बहुत सी आपको चिताएं भी जलती दिख रही होंगी, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है मंदिर, मंदिर परिक्षेत्र पूरा, और यहाँ पर गुहेश्वरी शक्तिपीठ भी है। जय जय भोलेनाथ की।